प्रोटेक्शन लेना है, बहुत ज़्यादा आप मोटी लेयर लेंगे तो उससे आपके जो है वो अच्छे से ना कर लोगे ना स्ट्रेट होंगे। तो व्यूअर्स आपने लास्ट वाला भी इसी तरीके से आउट इन्वर्ट करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छी स्टाइलिश हेयर स्टाइलिंग लेकर आई हूँ जो कि कर्ल्स हैं। कर्ल्स करना आप लोग को बताऊँगी, आपको कर्ल्स अलग अलग मेथड से करना बताऊँगी बहुत ईजी टेक्निक्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट व्यूअर्स। अब हम लोग ने सबसे पहले क्या करना है, मैं स्ट्रेटनिंग से आपको कर्ल्स करना बताऊँगी। स्ट्रेटनर से मेरे पास रिमिंगटन का स्ट्रेटनर है, ठीक है। इसका जो नेम है वो मिट गया क्योंकि मैंने बहुत यूज़ किया है ये, ठीक है, बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। व्यूअर्स मेरे पास जो रिमिंगटन का स्ट्रेटनर है ये बहुत अच्छा है, इसकी स्टीम बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे जो है स्ट्रेट भी करता है और बहुत अच्छे कर्ल्स भी करता है। ये मेरा फेवरेट स्ट्रेटनर है। इसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि आप ये चेक कर सकते हैं, ये अच्छे से बिल्कुल आपस में मैच हो जाता है, बिल्कुल इसमें गैप नहीं होता, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से स्ट्रेट भी करता है और बहुत अच्छे से कर्ल भी करता है और ये बालों को 100% डैमेज भी नहीं करता। अच्छा सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप जब भी आयरन करें, कर्ल्स करें, आप उससे पहले कोई भी मूज या फिर सीरम यूज़ करें, ठीक है। मैं इन्होंने जो है वो लगाया हुआ है पहले से, इसलिए मैंने नहीं लगाया। मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी कि आप कौन कौन से सीरम्स यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने काम की तरफ आते हैं। तो आपने जो है आउटवर्ड करना है, आउटवर्ड कर्ल्स हम कैसे करेंगे, ठीक है। आपने इस तरीके से इतना सेक्शन लेना है, बहुत ज़्यादा आप मोटी लेयर लेंगे तो उससे आपके जो है वो अच्छे से ना कर्ल होंगे ना स्ट्रेट होंगे। आप हमेशा ये बात याद रखें, मैंने ये वीडियो जो है पहले भी अपनी जो है शेयर की हुई है कि आप स्ट्रेटनिंग कैसे कर सकते हैं, आप कितना थिन लेयर लेकर जो है स्ट्रेट कर सकते हैं और कर्ल कर सकते हैं, ठीक है। आपने इतना वॉल्यूम लेना है, इसमें आपने करना है सबसे पहले आउटवर्ड कर्ल, ठीक है। आपने इस तरह स्मूथली लेकर आना है और इस तरीके से आपने इसको स्मूथली ही डाउनवर्ड लेकर आना है और इस तरीके से आप ये देखें कि कितना अच्छा और ब्यूटीफुल सा जो है ये कर्ल हमारा हो गया। बिल्कुल लास्ट तक मैंने किया है, आप ये देख सकते हैं कि मेरी जो एंड की टिप है ना वो भी कर्ल हो गई, वो एक तरह से बहुत अच्छा सा इसका लुक आ गया। ये देखें आप, ये चेक कर सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। ये आउटवर्ड कर्ल्स हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं गर्ल्स पर, ठीक है। आपने इसी तरीके से सब करने हैं, लाइन टू लाइन आपने सेक्शन लेना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और आप ये देखें मैं किस तरीके से स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ, मैं इसको इस तरीके से रख रही हूँ और इसको स्ट्रेट में रख के स्मूथली लेकर आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने फोल्ड नहीं किया स्ट्रेटनर को, जिसकी वजह से मेरा कर्ल्स जो है वो स्मूथली हो रहे हैं। ये देखें कितने बाउंसी से कर्ल्स हो रहे हैं लुक, ठीक है। आपने लाइन टू लाइन लेते जाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं लेना लेयर, आपने इस तरीके से इतनी ही लेयर लेनी है और इसको इस तरीके से पोजीशन में रखना है स्ट्रेटनर को और स्मूथली आपने सारे कर्ल्स इसी तरीके से करना है। ये बहुत अच्छे लगते हैं ओपन हेयर्स में, आप जब आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ फ्रंट पे आप अगर स्टाइल भी कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, बट मोस्टली ये वाले बाउंसी कर्ल्स जो है विदाउट स्टाइलिंग ही बहुत अच्छा लुक दे रहे होते हैं ये लुक, इस तरीके से आपने लेना है। साथ साथ अगर हल्का सा वेव भी है, आप वेव को पहले पूरा स्ट्रेट कर लें एंड देन आप इसको अपने हेयर्स को स्मूथली, ये देखें आप, स्लोली आपने करना है और स्मूथली आपने इसको डाउनवर्ड लेकर आना है। ये बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये देखें कितना अच्छा मैं इजीली इसको कर रही हूँ और ये इतना स्मूथ डाउन, पूरी आप देखें टिप तक मैंने किया है, पूरी टिप जो है मेरी वो भी कर्ल्ड हो गई है। इसका लुक चेक करें आप, वाओ इट्स अमेजिंग, ठीक है। ये देखें आपने इसको इस तरीके से करना है और अब ये देख सकते हैं आप मेरे आउटवर्ड कर्ल्स हो चुके हैं और इसका लुक कितना अमेजिंग लग रहा है, ठीक है। तो व्यूअर्स हमारे आउटवर्ड कर्ल्स हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। अब हमने करना है इनवर्ट कर्ल्स, मैं आप लोग को इनवर्ट कर्ल्स करना का बताऊंगी जो कि बहुत ईजी है। सो एक्स्ट्रा आप लोग को मैंने बताया कि आप किस तरीके से आउटवर्ड कर्ल्स कर सकते हैं, अब इनवर्ट कर्ल्स जो हैं वो भी इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है। बस आपको जो है स्ट्रेटनर की पोजिशन आपने देखना है कि आप किस तरीके से उसको रख रहे हैं, ठीक है। आपने इस तरीके से पहले लाइट से स्ट्रेट करना है एंड देन आपने इसको इस तरीके से स्मूथली इनर साइड से आपने इसको डाउनवर्ड लेकर आना है। ये देखें आप, ठीक है, ये आपने इस तरीके से पूरा कर्ल करना है और आपने कोई भी टिप नहीं छोड़नी क्योंकि टिप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपने बिल्कुल एंड तक जो है आपने अच्छे से इसको कर्ल करना है, ठीक है, इस तरीके से। और ये देखें आपने लाइन टू लाइन देते जाना, ये भी बहुत अच्छा ब्लो ड्राई टाइप लुक देता है जो इन्वर्ट कर्ल्स हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर किसी को ब्लो ड्राई लुक में चाहिए हो तो आप उसको इस तरीके से बाउंसी लुक में दे सकते हैं, ठीक है। स्मूथली आपने इन्वर्ट साइड पे हेयर्स की जो है पोजीशन को रखना है और डाउनवर्ड आपने इसको लेकर आना है। ये देखें लुक, इसी तरीके से आपने ऊपर से यहाँ पे भी स्टार्ट करना है और आपने इस तरीके से डाउनवर्ड लेकर आना है
और इसको अच्छे से स्मूथली आपने कर्ल करते जाना है, ठीक है। बहुत इजी है गर्ल्स, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, ठीक है। इस तरीके से आपने डाउनवर्ड लेकर आना है, ये देखिए आप लुक, इसको आपने इसके बाद सेटिंग कर देनी है। ये देखिए आप कितना अच्छा लुक आ रहा है, बाउंसी सा, ठीक है। सेम आपने सारे करने हैं, जिस तरीके से आपने उस साइड पे आपने आउटवर्ड किए थे, इस तरीके से आपने यहाँ पे इन्वर्ट करना है, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी पोजीशन आपने किस तरीके से स्ट्रेटनर की रखनी है, आपको ये टेक्निक आनी चाहिए, ठीक है। ये सब इजी इजी टेक्निक्स मैं आप लोग से शेयर करती हूँ, ताकि आप इजीली हर हेयर स्टाइल जो है वो खुद से बना सकें, जो कि बहुत इजी होता है। बस हमें टेक्निक्स को समझना होता है, टेक्निक्स अगर आपको समझ आ जाए तो आप कोई भी हेयर स्टाइल इजीली जो है बना सकती हैं। सो व्यूअर्स, आपने लास्ट वाला भी इसी तरीके से आउट इन्वर्ट करना है, ठीक है। ये देखें, बहुत ईजी है, आप लोग इंशाल्लाह जब बनाएंगे आप लोग को बहुत पसंद आएगा, और ये बहुत अच्छा भी लगता है। कर्ल्स और स्ट्रेटनिंग ये सब जो है ओपन लुक में बहुत अच्छा लुक दे रही होती है, ये देखें आप, ठीक है। इस तरीके से आप सेटिंग कर लें। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं हमारा आज का हेयर स्टाइल डन हो चुका है, और इसका लुक कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। आउटवर्ड और इनवर्ड्स मैंने आपको दोनों तरीके से कर्ल्स करना बताया है, जो कि बहुत ईजी है। इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। आज का मेरा हेयर स्टाइल आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।